हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने में फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में बायोमेट्री। आपको बायोमेट्री पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में आपको अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न लगाने के लिए यहाँ से आपको फिंगर पैटर्न पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में जो आपने अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है ओल्ड वाला, वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में कंटिन्यू। यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको अपने फ़ोन में फिंगर लगाएंगे। यहाँ से आपको अपने फ़ोन में फिंगर लगाना है और रिमूव करना है। यहाँ से आपको अपने फ़ोन में काफ़ी अच्छे से फिंगर ऐड करना है। यहाँ से जब आपका फ़ोन में अपना फिंगर काफ़ी अच्छे से ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में फिंगर लगाना है और रिमूव करना है। जब आपका फिंगर यहाँ पर अच्छे से ऐड हो जाएगा तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में डन का, तो आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में फिंगर अपना ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में डन का, तो आपको डन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार अपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न ऐड करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, नेक्स्ट टेक केयर।